जिनको नगर पंचायत का जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित किया है, सम्मानीय श्री सत्ता सिंह जी, मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। इस अवसर पर उपस्थित जिला पंचायत के सभी सम्मानीय सदस्यगण, ब्लॉक के सभी सम्मानीय अध्यक्षगण और इस अवसर पर उपस्थित भाई और बहनों, आपके जिला के साथ ही मैं उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि 75 में 67 भारतीय जनता पार्टी या इनके समर्थक जिला पंचायत के अध्यक्ष बने। ब्लॉक प्रमुख में भी आपने देखा है 80% से ज्यादा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अभी तो जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव हुए, प्रखंड के प्रमुख का चुनाव हुआ, मेरी भाषा थोड़ा बिहार का है पर का उच्चारण दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, आप याद करिए इसके पहले जो शासन कितना नंगा नाच होगा, वो दृश्य याद करिए, आपके जिला में हुआ होगा नहीं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का जिला पंचायत जिला चुनाव के जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को की गुंडागर्दी का जब चित्र सामने आता है तो लोग उठे खड़े होते और आज वैसे कर्तव्य दिखाने वाले लोग जब हमारे ऊपर अंगुली उठाते हैं तो खुद स्वीकार करते हैं कि अपने जिला अध्यक्ष को पार्टी से निकाल दें। इसका मतलब बहुत साफ है कि जल आकर्षण अब आपके प्रति नहीं है, आपके लोग आपके साथ नहीं है, आपको अपने लोगों को ही पार्टी से निकालना पड़ रहा है। और एक बात मैं नहीं कह रहा, खुद उनकी ओर से जिला पंचायतों के अध्यक्ष चुनाव के समय आया कि 12 जिला अध्यक्षों को निष्कासित किया। हमारे मनोज जी ने रेल मंत्री को उन्होंने जो उपहार दिया है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं भी पूर्वांचल से आता हूँ, जिस प्रकार से जोगी जी ने पूर्वांचल में राजमार्ग का उपहार दिया है, ये 341 किलोमीटर का जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, ये निश्चित रूप से हमारे पूर्वांचल के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए लाइफ लाइन सिद्ध होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि इधर की जनता इस ऋण को कभी चुका नहीं पाएगी, ये बहुत बड़ा ऋण है। और सबसे बड़ा जो यहाँ की जनता जो आज जयकार कर रही है, जो गुंडे और माफिया थे जिनका समानांतर सरकार चलती, उस माफियागिरी को योगी सरकार ने समाप्त किया है। इसके लिए जनता की ओर से